फुकरों का विषय है और ये नखरे का, ये तो पति पत्नी में ही चल सकता है साथ। जी मेरी तो पत्नी भी मेरे से नखरे में बोली कि ये तो मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे को बिना देखे ब्याह कर लिया। मैंने कहा शुक्र तो मेरा मना, मैंने तेरे को देख के भी पसंद कर लिया। बहुत बढ़िया आदिल, हमारा तो प्रदेश ऐसा शैलेश जी, मक्खी मच्छरों तक में नखरे हैं। वो मेरे को याद है कि मक्खी और मच्छर की शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। उसकी सहेली ने पूछा बहन क्या बात हो गई, बोली रात को डेंगू मारने की दवाई छिड़क दी थी, तेरा जीजा मर गया। जीजा। और नखरे भाई साहब ये नहीं कि महिलाएं करती, आदमी भी नखरे कई बार कर लेता हूँ। मेरे को याद है वो गाना गा रहा था, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अच्छा आज के बाद? बोली क्यों? बोला मेरी अपनी गली में ही सेटिंग हो गई। और मेरे यहाँ तो जब रिश्ता हुआ शैलेश जी, मैं तो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। जी वैसे तो होते बड़े मुश्किल से, तब देखने चला गया 150 किलो 250 किलो की होगी कम से कम भी। अच्छा वहीं से एक छंद निकला मेरा, अरुण भाई समर्पित करता हूँ, कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डटे गया, पीछे को मैं हटे गया ऐसी विकराल थी। आँख ये भटक गई, सूरत लटक गई, सांस भी अटक गई, नारी क्या भूचाल। पाँव यदि टिक जाए, पाँव यदि टिक जाए, टिकट सकट जाए, तुरत निपट जाए, साक्षात काल थी। देखते ही नट गया, मामला सुलट गया, संकट कट गया, जी का जंजाल थी। भाई बहुत अच्छे। और एक फिल्म आई थी उसके अंदर एक डायलॉग था भी, मेरे को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस से तो भाई साहब सबको भय है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि पुलिस वाला ही बड़ा भय में मर जाता है साहब। अच्छा मैं एक बिल्कुल हास्य व्यंग की नई कविता पढ़ता हूँ दुबे जी, सुना कि उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। ओहो। अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। बहुत अच्छे। सीधा सा मतलब ये है कि तबाही थी जी, सारा दिन दहशत में काटता था, उधर पत्नी चीखती इधर इंस्पेक्टर डांटता था। अच्छा वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ, बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूँ। जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है, उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता। बहुत अच्छे। एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी। अच्छा दोनों ने एक साथ आवाज लगाई, मेरे तो समझ में ही नहीं आई पहले किसकी सुनू कहाँ जाऊं। नौकरी संभालू या इज्जत बचाऊ। बहुत अच्छे। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। पता थे। कहने लगे भाई हमारा क्या है, हम तो आज यहाँ कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना। बहुत बढ़िया। तुझे तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है, जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अबे रो मत भाई, मेरे घर में भी यही हालात है। मेरा क्या कमिश्नर तक का यही हाल है, होंगे बाहर अफसर घर में भला किसकी मजाल है। सही बात है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ, नौकरी जरूर करता हूँ पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूँ। अभी पिछले कल ही की बात है, दिन था वैलेंटाइन। अच्छा ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज शाम कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। अच्छा नखरे बता रहा हूँ, ये घर नहीं है थाना है। यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटे। वाह वाह बहुत अच्छे। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम के तरह लाचार था, मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था, वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपर स्टार थी। वाह 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 वाह। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि इस बार का बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को मिला। अच्छा इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति पत्नी के साए में हर वक्त रह सकता है उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं जैसे ही पहली बार टेलीविजन पे कार्यक्रम में आया तो मुझे पूरी दुनिया ने देखा और साथ साथ देख लिया अफ्रीका वालों ने। वो देखते ही बोले यार ये तो अपने जैसा दिखता है, ये गलती से हिंदुस्तान पहुंच गया। उन्होंने वहां एक कार्यक्रम रख लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो आयोजक मुझे देख के बोला यार एक चीज बताओ, आपकी आंखें देख के लग रहा आप चीनी हो।
बाल देख के लग रहा नेपाली हो, कलर से अफ्रीका वाले लग रहे हो और भाषा से हिंदुस्तानी लग रहे हो। आखिर आप हो क्या? अपन हिंदुस्तान के आदमी किसी की बात कभी खाली नहीं जाने देते। मैंने कहा आपको अभी भी समझ में नहीं आया, संयुक्त राष्ट्र संघ में ही हूँ। बहुत अच्छे उदय भाई, हमारे यहाँ तो लोगों से आप बात करो क्या कमाल का जवाब देते हैं। अभी ये भाई साहब सामने बैठे हैं, मैं बाहर निकला बहुत सारे पेड़ लगे, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, ये मुझसे पूछने लगे उदय भैया ये कौन सा पक्षी है। मैंने उसको ध्यान से देखा, अरे मैंने कहा ये तो किंग फिशर है, ये पूछता है कि ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बात माइल्ड स्ट्रॉन्ग की आई है तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसी अनोखी चीज है कि इसके वश में कोई भी आ जाता है। मैंने देखा एक बार एक मछली मार रहा था बैठ के, दोपहर हो गई, उसने देखा उसका चारा खत्म हो गया, बोला यार अभी तो आधा दिन बाकी है करूंगा क्या। तो उसने देखा वही बाजू में एक सांप एक मेंढक को दबाए बैठा है, उसने उसको पकड़ा, उसका मेंढक छीना, उसके पीसेस किए, कांटे में फंसाया और मस्त मछली मारने लगा। फिर उसको ध्यान आया कि यार मैंने तो इसका खाना छीन लिया, तो उसने अपनी बोतल निकाली, उसको खोला, उसमें से एक ढक्कन भरा और उस सांप के मुंह में डाल दिया कि भाई मैंने तेरा खाना लिया, तू एक पैक पी और मस्त रहे। अब ये अपनी मछली मार रहा था, एक 10 मिनट बाद इसको एहसास हुआ कि इसके पैर में कुछ टच हो रहा है, तो इसने देखा ये क्या है, उसने नीचे देखा, इस बार वो सांप 2 मेंढक दबा के लाया था। और बोल रहा था भाई तूने क्या पिलाया, मजा आ गया, 2 मेंढक और ले, 2 पैग और पिला। ये तो भैया क्या बात है, ये इसका शौक तो सभी को है, ये मेंढक क्या कोई कुछ भी लिया, चाहे सर्पेश हो या सर्वेश हो, चाहिए सभी को भाई। मैंने कहा इसका असर सब पे होता है, सब इसके वश में आ जाते हैं। तो इस तरह की बातें तो मैं पहले भी करता आया हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक अपना नया रूप दिखाता हूँ। दिखाओ दे। मेरे सारे दाग तू जाने, तेरे सारे दाग मैं जानू, कुछ भी नहीं छुपा हम तुम में, अपना तो है एक हरम, ना तुम्हें शर्म ना तुम्हें शर्म ना तुम्हें शर्म ना तुम्हें शर्म। कि कभी छीनते दाल इनकी, कभी छीनते प्याज इनकी, और अपने ही खोटे कर्मों से हमने फोड़ा इनका कर्म, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। दांत टूटने वाले तुम्हारे दरवेश, जो तुम्हारी उम्र है, और डेंटल सर्जन पास में बैठी है। दांत टूटने वाले तुम्हारे, मसूड़े हो रहे हैं नरम, फिर भी ऐसे कर्म कुछ तो करो। किसी के साथ भाग ही जाता। एक दिन शैल